हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके लिए एक और शेयर्स लेके आया हूँ और जिसकी प्राइस अभी 616 रुपये चल रही है भाई। और ये स्मॉल कैप है और मॉडरेट रिस्क है, रिस्क उतना हाई नहीं है। और 1 ईयर्स की रिटर्न्स की बात की जाए तो 87% तक का इसने रिटर्न दिया है। जो लो था 288 रुपये और 631 रुपये हाई गया था। और अगर मैक्सिमम की बात की जाए तो 214% तक का इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न्स दिया है। 31 रुपये लो था, 31 रुपये लो था, यही भाई सब पेन स्टॉक है। 31 रुपये का आज 616 रुपये का है, सिर्फ 5 साल में, सॉरी 17-18 साल में हो गया है। ये हाई गया था 1040 तक। और 1 मंथ की बात की जाए तो 1.8% तक की इसमें वृद्धि देखने को मिली है। तो अब हम इसको इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट के हिसाब से बात कर लेते हैं। तो इंटेंसिव वैल्यू के हिसाब से थोड़ा महंगा स्टॉक्स है और रिटर्न्स एफडी के वर्सेस बहुत ही अच्छे हैं। डिविडेंड भी बहुत अच्छा दे रही है, एंट्री पॉइंट भी बहुत अच्छा है और कोई भी रेड फ्लैग नहीं है। और अगर प्रो प्लान की बात की जाए तो डिफ़िकल्ट प्रोबेबिलिटी लो है और क्वालिटी चेक बहुत अच्छा है। ग्रोथ इसको थोड़ा डाउन है। और इसमें अगर की मैट्रिक्स की बात की जाए तो की मैट्रिक्स में पीई रेशियो भाई साहब 6 है, टोटल डिविड 1 करोड़ है और नेट इनकम 220 करोड़ है, फ्री कैश फ्लो 47 करोड़ है और प्रोमोटरों की होल्डिंग 51% है। डिविडेंड यील्ड 35.89 बहुत ही अच्छा दे रही है डिविडेंड। और एक तरह की ये पूरी तरह डिविड फ्री कंपनी है। और मेरे वीडियो में हमेशा रहता है कि मैं फाइनेंशियल ट्रेड पर ज़्यादा फोकस रखता हूँ, तो जो मेरा फाइनेंशियल ट्रेड है वो काफ़ी अच्छा, जिन कंपनियों का फाइनेंशियल ट्रेड अच्छा होता है उन्हीं को मैं सिलेक्ट करता हूँ। तो ये 1000 करोड़ में है। तो ये हुई थी 20 करोड़ की और ये भी हुई थी 20 करोड़ की, यहाँ पर हुई 50 करोड़ की और 2021 में हुई 220 करोड़ की। तो कंपनी काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में, आप देख सकते हैं पूरा बढ़ रही है। इसमें कोई भी अपर सर्किट है प्रॉफिट में, इस तरीके से अपर सर्किट चल रहा है। और अगर हम इसके, ये जो हमारी कंपनी है मैं इसको नाम बता दे रहा हूँ, ये है क्लियरेंट केमिकल्स इंडिया लिमिटेड, जिसका मार्केट प्राइस अभी 616 रुपये चल रहा है। अगर मैं इसके फंडामेंटल्स की बात करूं तो मैं बताता हूं आपको, फंडामेंटल्स में जो मार्केट कैप है वो 1424 करोड़ है मार्केट कैप। करंट प्राइस बता दी, पीई रेशियो मैंने आपको बता दिया, डिविडेंड यील्ड भी बता दिया, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत अच्छा है 11.8, रिटर्न ऑन इक्विटी 7.11%, और डिविडेंड मैंने 1 करोड़ बताया था, यहाँ पर 53 लाख है। और नेट प्रॉफिट एनुअल 220 करोड़, अर्निंग पर शेयर बहुत अच्छा है 99.8 रुपीज़, और प्रोमोटर की होल्डिंग भी बहुत अच्छी है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बहुत अच्छा है 49 करोड़ है। और क्वार्टर्ड सेल्स बार 64.9% है, क्वार्टर्ड प्रॉफिट बार 279% है, क्वार्टर्ड प्रॉफिट बहुत तेज़ी से 279%। अगर हम इसके प्रोस और कॉन्स के बारे में बात करते हैं तो पहले हम प्रोस के बारे में बात करेंगे। तो कंपनी इज रिड्यूस्ड डेबिट और कंपनी इज ऑलमोस्ट डेबिट फ्री और स्टॉक इज प्रोवाइडिंग ए गुड डिविडेंड यील्ड ऑफ 10.54% और कंपनी हैज मेंटेन ए हेल्थी डिविडेंड पे आउट ऑफ 129.91%। अगर कॉन्स की बात की जाए तो डिविडेंड काफ़ी अच्छा दे रही है। और कॉन्स की बात की जाए तो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 3.50 टाइम्स एट्स बुक वैल्यू और कंपनी हैज लो रिटर्न ऑन इक्विटी 5.91 फॉर लास्ट 3 ईयर्स और अदर इनकम जो है वो 272.72 करोड़ है। और जो तुम्हारी ये क्या है, द कंपनी हैज डिलीवर्ड ए पुअर सेल्स ग्रोथ 8.51 लास्ट 5 ईयर्स में 8.51% इसकी सेल्स डाउन हुई है। कंपनी रेडिस है पूरी, ऑलमोस्ट डेबिट फ्री है, कोई भी इस पर कर्जा नहीं है और काफ़ी अच्छी कंपनी है ये क्लियरेंट केमिकल्स लिमिटेड। ओके, ये अभी केमिकल्स में बहुत अच्छी तेज़ी से ग्रोथ आपको करने को मिलेगी। बहुत लोग क्या है, देखो मैं बताता हूँ, गूगल पर आपको बता देंगे, सीधा गूगल पर ले जाके आपको बता देते हैं और ना उसमें कोई ये पता चलता है कि इस पर कितना डिबेट है, कितना कर्ज है, ये कुछ नहीं मालूम रहता। मैं आपको पूरा एकदम फंडामेंटली दिखाता हूँ, रिटर्न्स कैसे दिए हैं वो भी दिखाता हूँ, पूरा क्लियर करके दिखाता हूँ। तो आज का यही था मेरा बेस्ट स्टॉक्स। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।